देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। पटना महावीर मंदिर में सुबह 2 बजे से भगवान का पट खुल गया था, जहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही लाइन में लगी हुई थी, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर परिसर में जो है वह पहुँच रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए 20,000 नैवेद्यम की व्यवस्था जो है वह की गई, अगर और जरूरत होगी तो इसे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि दयालु श्री राम प्रभु का जो है प्रकट उत्सव जो है वह मनाया जाना है 12 बजे, दोपहर 12 बजे, जहां 50 किलो फूलों की जो है वर्षा होने वाली है। इस वक्त मंदिर की तस्वीर एक बार आप देख लीजिए, देखिए किस तरह से जो लाइन है, भगवान का जो दर्शन है वह लोग करने पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अपने मन में कामना लेकर जो भी आए हैं उसे जो है वह प्रभु से साझा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यह सदियों की से परंपरा जो है चलती आ रही है और पटना का यह बहुत पुराना मंदिर महावीर मंदिर है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल ने भी बताया कि जो व्यवस्था है वह काफ़ी दुरुस्त है, किसी तरह का श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। और आगे सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है मंदिर के संचालक आचार्य किशोर कुणाल का। खुला था और 2 बजे पट खुला था, 2:15 तक आरती हुई, उसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और रात में 12 बजे तक चलता है। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि 8 ब्लॉक तक मंदिर मंदिर को बता दें जी। हाँ, लोगों में उत्साह है काफ़ी संख्या में, खुश हैं। अब आप लोग बतलाइएगा, मेरी तो कोई बातचीत हुई नहीं है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं हुई, बहुत अच्छा। हम लोग तो देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं। नहीं ना, अच्छा है, सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि साफ तौर से उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रभु के दर्शन को लेकर या जो तैयारी है वह बहुत पहले से होती आ रही है, हालांकि आज वो घड़ी बहुत समय